और भी बातें मैंने करनी आप लोगों से, लेकिन अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो अपना देखे जितना मैं हाल मजाक के मूड में नहीं हूँ गाइस, मैं बना रही हूँ हांडी। ये नहीं समझना आलू छोले भी दी नहीं, मैं हांडी बना, हांडी बना रही हूँ। हाले नहीं हुआ, सॉरी ये ब्राउन नहीं हुआ अभी तक। मेरी अच्छा गाइस, अब मैं सिपाही निकाल रही हूँ तो फिर क्या मसला है, मैं करती रहती हूँ, अगले मारती रहती हूँ। अच्छा जी गाइस, मैंने अपना निकाल लिया बाहर से, तो चिकन को मैंने निकाल लिया। ये देखिए ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया, एक मिनट। तो अब मैं प्याज डालूंगी, मैंने डाल दिया प्याज। ये जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ना मैंने इसके डालना है टमाटर, सॉरी अदरक लहसुन, और उसके बाद टमाटर डाले, हरी मिर्च वगैरह सारे मसाला मैंने डाल दिए, और फिर ये हो जाएगा। ये इसको थोड़ा सा ये हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैंने टमाटर डाल लिए, हरी मिर्च डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद बाकी के मसाले मैंने जब अच्छी तरह ये मसाला पक जाएगा उसके बाद जी मैंने डालना है, बाकी के मसाले डालूंगी और आपके सामने अभी गर्मी में। अब जो है मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालने वाली हूँ, ये बस डाल दिया मैंने ये। अब इसको अच्छी तरह ये पक जाएगा तो उसके बाद ना मैंने बाकी का मसाला डाल दिया। मसाला मेरा जो है वो हमें कौन खिलाया, अच्छा गाइस आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कैमरा मेरा ऑन है, लेकिन शुक्र है पता चल गया वक्त से पहले ही। अच्छा जी, अब जो है मसाला ब्राउन हो चुका है, इसमें मैंने डाल ली सबसे पहले मिर्चें डाल के ना, मैं ढक्कन दे दूँगी। अब ये देखिए जी, मैंने आधे से ज़्यादा चम्मच डाल दिया मिर्चों का, उसके बाद ही हल्दी होगी। ये मैंने डाल दी है, ये सूखा धनिया पिसा हुआ, ये भी मैंने आधा ही चम्मच डालना है जी। उसके बाद जी पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैंने डालना है, ये इतना ज़्यादा भी और इतना कम भी। अब जी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि
गोश्त में मैं ऑलरेडी नमक डाल उन्हें थोड़ा सा डालना ताकि मसाले में ना ये देखिए ज़्यादा ना हो जाए। बस इसमें मैंने इतना ही नमक डालना था, अब मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी इसमें, ये देखिए ताकि ये मिर्चें जो है वो उनका टेस्ट जो है वो कच्चा ना आए, इस वजह से सारा कुछ मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह भूनी लगेगी तो उसके बाद मैंने गोश्त डाला है इसमें, गोश्त को मैंने भूनी लगानी है और भूनी लगाने के बाद जनाब थोड़ा सा यानी थोड़ा सा पानी डालना है, वो जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं उसमें दही मिक्स कर दूँगी। अच्छा गाइस अब मैं इसमें गोश्त डालने वाली हूँ, ये देखिए जी जी मैंने गोश्त डाल दिया, चेक कर सकते हैं आप मेरी नई डिश मेरी इसकी बात कर रही है मैं अबे मलक ना दिया तो फिर मन भी अच्छी ना बना रहे कड़ी किताब लिखी जना मैं इसे नहीं डालने लगी हूँ ये देखिए गाइस ये देखिए मेरी हांडी तैयार हो गई है। अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी, ये बस हो गया। अच्छा गाइस आपकी मलक नादिया को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। आपकी ये बात है जनाब कि अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे बल्कि मेरी नहीं हम दोनों की मलक नादिया की और अरूज मलिक इनकी वीडियो और हम दोनों की बल्कि वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना जनाब। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी मलक नादिया एंड अरूज मलिक अरूज को दो में याद रखिएगा जी। थैंक यू सो मच एंड